हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल जजमेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे लास्ट ईयर 2018 में। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट कौन कौन से होते हैं, इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमें जानना क्यों ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता न्यू अपडेशन क्या हुई है लॉस में। अगर आपको ऐसा नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता कि जो आप पुरानी मान्यताएं या जो भी आप पुराने कानून को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसी को करेंगे तो आपको जो नए कानून बन गए उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। प्लस आपके साथ हो सके आप जाने अनजाने में कोई ऐसा क्राइम करते जो आपको लगे ये क्राइम नहीं है, लेकिन अभी अपडेशन हो चुकी है लॉ में और वो चीज़ अब क्राइम बन चुकी है। तो इसीलिए आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनको हमेशा जानना चाहिए। तो आज जानते हैं लास्ट ईयर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिकल जजमेंट दिए थे। पहले जो जजमेंट हम बात करते हैं वो है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने पार्शली बैन लगा दिए फायर क्रैकर्स पे, मींस अब जो है पटाखे बेचने पे और पटाखे बजाने में, जलाने में, उन सब पे पार्शली बैन है। पार्शली बैन का मतलब है कि पूरा बैन नहीं है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बनाने वाले फायर क्रैकर्स बना सकते हैं और जलाने वाले उसको जला सकते हैं। तो टर्म्स कंडीशंस ये दी गई हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको गाइडलाइंस दी हैं कि आप जो हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स ही बनाएंगे, मींस जो एनवायरनमेंट पे कम से कम असर करती है उसको ही आप मैन्युफैक्चरर करेंगे। और जितने भी पीपल्स हैं उनको गाइडलाइंस ये दी गई है कि अब जो फायर क्रैकर्स बर्न करने का टाइम होगा वो होगा आपका 8 बजे से लेके 10 बजे रात तक, इन द ओकेजन ऑफ दिवाली, अगर दिवाली है तो 8 बजे से 10 बजे तक का ये टाइम है, और न्यू ईयर ईव पे और आपका क्रिसमस पे ये टाइमिंग हो जाता है 11:55 से लेके 12:15 तक। तो ये आपके जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है पटाखों पे, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को और हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि इसी तरह से अगर पटाखे जलते रहे तो जितने भी लोग हैं उनको बहुत तरह की बीमारी होंगी और ये जो एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं हम जी नहीं पाएंगे। तो मुझे ये वाला जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जितना हो सके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था, वो उन्होंने दिया था आपका एडल्टरी पे। एडल्टरी का मतलब होता है कि जब कोई एक शादीशुदा हस्बैंड किसी और शादीशुदा वाइफ के साथ, किसी और की बीवी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसको डिफाइन करता था आपका सेक्शन 497, जिसमें ये कहा गया था कि अगर ऐसा होता है तो आप वाइफ पे केस नहीं कर सकते हैं, जो उस वाइफ का हस्बैंड है वो दूसरे आदमी पे ही केस कर सकता है, अपनी वाइफ पे केस नहीं कर सकता है। तो इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और कहा ये बहुत ही गलत है क्योंकि मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, तो अगर सज़ा मिलनी है तो या तो दोनों को ही मिलेगी या फिर दोनों को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अब जो है कोई भी हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है उसकी मर्जी से, तो उस वाइफ का हस्बैंड जो है इस हस्बैंड के ऊपर या इस आदमी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। लेकिन इस ग्राउंड पे जो है, क्योंकि उसकी वाइफ का किसी और के साथ संबंध है, इस ग्राउंड पे वो उससे डाइवोर्स फाइल कर सकता है, लेकिन वो क्रिमिनल केस दूसरे आदमी पे प्रोसीड नहीं कर सकता है, इसको बैन कर दिया गया है। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल अपना जजमेंट दिया था वो दिया था नेसेसिटी आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड की जो नेसेसिटी थी बहुत ज़्यादा थी सेप्टेम्बर से पहले। पहले आपको जो है मोबाइल का नया कनेक्शन लेने में, गैस का नया कनेक्शन लेने में, बैंक अकाउंट खोलने में, हर चीज़ में आपको आधार कार्ड की ज़रूरत थी। लेकिन सितंबर में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया उसके बाद से आपके जो है नेसेसिटी एकदम ही कम कर दी गई है और लिमिटेड कर दी है आधार कार्ड की। अब जो है आपको स्कूल में एडमिशन लेने में या फिर नया मोबाइल का कनेक्शन लेने में या फिर आपको जो है बैंक में अकाउंट खुलवाने में, इन सब में आपको आधार कार्ड की अब ज़रूरत या नेसेसिटी नहीं है। प्लस आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट फॉर्म आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आपसे नहीं मांग सकती, ना ही वो कहीं पे आपको लिंक करने को कह सकती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत ये है कि आप पैन कार्ड आपको बनाना है तो आपको आधार कार्ड लगेगा, या फिर गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ होती हैं वो आपको चाहिए होंगी तो उस पर आपको आधार कार्ड लगेगा, लेकिन इसके अलावा आधार कार्ड की कोई भी नेसेसिटी अब नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था वो दिया था होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये था कि अगर कोई लड़का दूसरे लड़के के साथ या फिर कोई लड़की दूसरी लड़की के साथ, मीन सेम जेंडर वालों के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसको आईपीसी सेक्शन 377 डिफाइन करता था, जिसमें 10 साल की सज़ा प्लस आपका जो है जुर्माना भी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है
अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसको हटा दिया गया। अब किसी को भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई भी क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के 4 हिस्टोरिकल जजमेंट। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर बहुत सारे हिस्टोरिकल जजमेंट दिए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे यहाँ पे वही डिस्कस किए हैं जो पूरे नेशन वाइड मीन्स पूरे इंडियन को, पीपल्स को अफेक्ट करता है, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट हर साल अपने जो है हिस्टोरिकल जजमेंट देते हैं, जैसे कि उन्होंने दिए थे ट्रांसजेंडर के को हर इक्वलिटी दिलाने के लिए, प्लस आपका जो है ट्रिपल तलाक के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने जजमेंट दिए थे। अगर आप चाहते हैं ये सब जजमेंट आपको सुनना है या इसकी डिटेल्स में आपको जाना है तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं बता सकता हूँ। प्लस अब हम लोग देखेंगे 2019 में क्या सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकल जजमेंट देती है जिससे जो है इंडियंस को फ़ायदा होगा या लॉस होगा या इंडियन के लिए कोई भलाई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ जल्द से जल्द मिलते रहें। इसके अलावा आपको कौन से सुप्रीम कोर्ट के जो हिस्टोरिकल जजमेंट अच्छा लगा या बुरा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए थैंक यू।